हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए पाइथन के ये जो है पाइथन की सेल है, और पाइथन के सेल पर अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, जरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर बड़ा आसान है। क्योंकि आपको जब सवाल आएंगे या सवाल दिए जाएंगे, इंटरव्यूज में दिए जा सकते हैं या अदर कहीं जगह अगर दिए जाते हैं, तो ऐसे में आप सीधा इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये सवाल आपको पूरा समझाएगा कि इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पहले प्लस किया गया है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले प्लस ही कर देते हैं, प्लस नहीं करना, पहले यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए, तो आंसर आएगा 2, और फिर 13 में जब 2 जोड़ेंगे तो 15.25 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको सवाल भी सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15.25 ही आ रहा है, तो पहले आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका क्या आएगा, जैसे मान लीजिए ये तो एक बात हो गई, यहाँ पर मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ पाइथन की आईडी जल्दी को, तो यहाँ से ये ओपन किया, अब ये जो पहला पेज खुलेगा ये सेल ही होगा हमारा। तो मान लीजिए ऐसे कह दिया गया 2 × 3 / 2, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में पहले डिवाइड होगा क्या, नहीं, यहाँ पर 8 आएगा और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट है, तो आंसर क्या आएगा भैया, तो इसका आंसर आएगा 2 × 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 3, और 2 × 3 का मतलब हुआ 8, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 4.0 आ भी रहा है, देख सकते हैं। अब ऐसा ये देखिए 4.0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ये डिवाइड ऑपरेटर है, ये कोई फ्लो डिवीजन ऑपरेटर नहीं है, ये अपॉन अपॉन दो बार लगा रहता है तो फ्लो डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है, और वो आपको हमेशा इंटीजर में इवेल्युएट करके देता है, लेकिन ये तो स्वतंत्र है आपको डेसिमल जो रिजल्ट है उसको भी देने के लिए। तो यहाँ पर ये आंसर यही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।